कितनी अच्छी हरियाली है, और ये बोतल पाम के पेड़ हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बंद कर दे हर्ष, आगे क्या लगाते हो? एक बार इसको तो दिखा दे, बैठ के बोलना है। हाँ, जोर से बोलना है ना, ताकि उसमें क्लियर आवाज आ सके। थोड़ा नजदीक आ जा। क्या नाम है? हर्ष। आगे क्या लगाते हो? बंसीवाल। बंसीवाल, कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ जयपुर में। जयपुर में रहते हो? जयपुर में कौन सी जगह रहते हो, आपको पता है? आपको पता होना चाहिए। आपके पिताजी का नाम क्या है? विजय। विजय बंसीवाल। अच्छा, पिताजी के मोबाइल नंबर जानते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोल के बताओ, बोल के बताओ। थर्ड में। तो आपको अपना नाम पता होना चाहिए, आपको अपने पिताजी का नाम पता होना चाहिए, है ना? स्कूल के अंदर कोई पूछ रहा है आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप बताओ कि मेरे पिताजी का नाम ये है। पिताजी का मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। और स्कूल बस लेने आती है आपको? फिर कौन लेते हैं, लेने आता है? मम्मी लेने आती है। और कभी कभी पापा भी? अच्छा, मम्मी आती है। हाँ, तो मम्मी के साथ ही जाया करो, और कोई अनजान व्यक्ति आए तो उसके साथ कभी नहीं जाना आपको, है ना? और जैसे मम्मी कभी लेट हो जाए तो पापा के नंबर याद रखा करो। आइडेंटिटी कार्ड आता है ना, उस पर नाम, पिताजी का नाम और मोबाइल नंबर, ताकि तुम्हारे सर को बोल दो कि सर मम्मी लेने नहीं, तो आप पिताजी को या घर पे मेरे फ़ोन कर दो, ताकि वो मुझे लेने आ जाए, है ना? किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाना चाहिए, सही है ना? अच्छी बात है, कभी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए कि भाई मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अनजान व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ तेरा पापा बुला रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, आपकी मम्मी ने भेजा है, तो कभी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना, है ना? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस?